बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड डिस्कसिंग टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास। It is weighted average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element. अगर इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश की जाए तो हम ये देखते हैं, यहाँ एलिमेंट आइसोटोप्स की बात हो रही है कि आइसोटोप्स का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा किसी भी एलिमेंट का, वो एवरेज एटॉमिक मास हमें देता है। अब यहाँ गौर करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज मेंट बाय नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एलिमेंट्स सिमिलर काइंड ऑफ द एटम से मिलके बने होते हैं और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हमेशा डिफरेंट होता है। और ये क्यों डिफरेंस होता है, इसलिए कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि एलिमेंट्स को बनाने वाले एटम सिमिलर नहीं होते। डिफरेंट एलिमेंट्स को यूँ समझें कि आपके पास गोल्ड है, वो एक एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट, और आपके पास सिल्वर है, वो भी प्योर एलिमेंट है। अब गोल्ड यानी सोना जो है और सिल्वर जो चांदी है, इन दोनों के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। गोल्ड के जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, जबकि सिल्वर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं। लेकिन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, मुवासना किया जाए, तो गोल्ड के एटम्स जो होंगे वो सिल्वर के एटम से टोटली डिफरेंट होंगे। लेकिन गोल्ड के जो एटम्स हैं, गोल्ड एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में सिमिलर होंगे और सिल्वर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में सिमिलर होंगे। तो इसी तरह एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट हो जाता है कि दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम्स। लेकिन यहाँ बात हो रही है एवरेज एटॉमिक मास की। अगेन हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मैसेज of the naturally occurring isotopes of an element। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एलिमेंट में पाए जाने वाले जो एटम्स हैं naturally, उन एटम्स का जो एवरेज वेट होगा वो एवरेज एटॉमिक मास होगा। लेकिन यहाँ अब हमें ये चीज़ क्लियर करनी है कि किसी एलिमेंट में पाए जाने वाले एटम्स अगर सिमिलर होते हैं तो फिर आइसोटोप की टर्म क्यों यूज़ की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें पाए जाने वाले सारे के सारे एटम कभी भी सिमिलर नहीं होते। इसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। आइसोटोप्स जो हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जी, इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैं, यानी एक ही एलिमेंट में पाए जाने वाले एटम्स हैं, लेकिन ये एटम्स आपस में एटॉमिक नंबर की वजह से तो सिमिलर हैं, बट दीज एटम्स आर डिफरेंट ड्यू टू देयर डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। मीन टू से कि एक एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे एटम सिमिलर हैं, किस बुनियाद पर कि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर होंगे, बट दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हम कहते हैं तो फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं किस कॉन्सेप्ट पे, एटॉमिक मास पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
किसी एटम का जो वेट होता है वो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के टोटल वेट की वजह से होता है। एज वी नो दैट एन एटम इज अ नेचुरली अकरिंग पार्टिकल एंड इट हैव थ्री टाइप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब मैं दोबारा आइसोटोप की डेफिनेशन को रिपीट करती हूँ, फिर इसको हम एक जो है वो एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आई अगेन रिपीट इट स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ, आइसोटोप किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले एटम्स का जो है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तो एक जैसे होते हैं बट दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच दे हैव द टू आर मोर देन टू आइसोटोप्स, लाइक क्लोरीन के दो आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के भी तीन होते हैं, कार्बन के तीन होते हैं, लिथियम के होते हैं, यूरेनियम के तीन आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन के रिपोर्टेड दो हैं और आयोडीन के भी दो हैं। अब हम एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। हमारे पास एग्जांपल है जी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, इसका मतलब क्या, पहले आप टर्म्स को देखें, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन एलिमेंट हुआ, इसके अंदर तीन टाइप के एटम्स हैं, ये तीनों टाइप के एटम आपस में सिमिलर नहीं हैं, किस बुनियाद पे, दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट वो सिमिलर तीनों किस बुनियाद पे हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आइसोटोप्स क्या होंगे, इनमें जब किसी एलिमेंट के आइसोटोप की हम बात करते हैं, दे हैव द सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप में, पहले आइसोटोप को जनरली ये इसको हाइड्रोजन भी कहते हैं लेकिन इसको प्रोटियम कहा जाता है। नेचर में ये आइसोटोप, ये जो एटम है हाइड्रोजन का, ये 99.98% पाया जाता है, यानी हमारी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन कौन सा होगा, प्रोटियम होगा, मीट उसे जो पानी पीते हैं इसमें जो हाइड्रोजन है वो प्रोटियम है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज C6H12O6, अब आप देखिए ये ग्लूकोज है, सक्रोज है, फ्रक्टोज है, जितने भी हमारे पास ये केमिकल हैं इनमें जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट ऑफ क्या है, प्रोटियम है। अब सेकंड आइसोटोप जो है, अच्छा ये पहला जो आइसोटोप है प्रोटियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, या आप इसमें डायग्राम में ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं, और लिखने का तरीका भी आपको अब समझ आ जाएगा। अब देखिए 1H1 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट आइसोटोप है हाइड्रोजन का उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो सेकंड आइसोटोप कैसे लिखा जाएगा, 2H1, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। थर्ड आइसोटोप कैसे लिखा जाएगा, 3H1, इस आइसोटोप में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। अगर स्टूडेंट्स आप कंपैरिजन करें तो 1H1, 2H1 एंड 3H1 तीनों आइसोटोप्स में आपको कौन सा नंबर कॉमन नज़र आ रहा है, बेस में लिखा हुआ 1 आपको कॉमन नज़र आ रहा है जो कि एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे नेचुरली अकरिंग किसी भी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स के अंदर। तो फिर ये यहाँ से प्रूव हो गया कि ये तीनों जो आइसोटोप हाइड्रोजन के, इनमें क्या कौन सी चीज़ कॉमन है, दे ऑल हैव द सिमिलर नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट डिफरेंट कहाँ से आ रहे हैं, आप सुपरस्क्रिप्ट में देखें जो ऊपर वाला पार लिखा हुआ है 1, 2 एंड 3, 1H1, 2H1, 3H1, ये टॉप पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो फर्स्ट आइसोटोप में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, सेकंड आइसोटोप में एक न्यूट्रॉन है और थर्ड आइसोटोप में दो न्यूट्रॉन है। उम्मीद है आपको आइसोटोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ कि हम एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहे थे। अब ये आपके पास तीनों किस्म के आइसोटोप हैं तो नेचर में इनके पाए जाने वाली जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होगी। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझेंगे और
उससे पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इट कैन बी कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंट अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन। अगर दो आइसोटोप्स हैं तो आप ये फार्मूला दो तक यूज़ कर सकते हैं, अगर तीन या तीन से ज़्यादा आइसोटोप हैं तो आप फिर इस तरह मज़ीद इस फार्मूले को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से हम अपने इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन फ्रॉम गिवन डेटा। द परसेंट अबंडेंस ऑफ द क्लोरीन 35 इज 75% एंड क्लोरीन 37 इज 25%। अब पहले क्वेश्चन को समझें, ये दो आइसोटोप हैं, दोनों आइसोटोप क्लोरीन के हैं, एक आइसोटोप क्लोरीन 35 है, एक आइसोटोप क्लोरीन 37 है। 35 37 क्या है, ये एटॉमिक वेट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्लोरीन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं लेकिन दोनों एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, तो इस वजह से इनका एटॉमिक वेट भी मुख्तलिफ हो गया। क्लोरीन 35 जो है ये 75% पाया जाता है नेचर में, और क्लोरीन 37 ये 25% नेचर में पाया जाता है। अब इन दोनों को मिला के हम इनका एवरेज एक वेट लेंगे, क्योंकि ये एवरेज वेट लेना इसलिए ज़रूरी है बेटा कि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट के जो है एटॉमिक वेट को लिखना होता है, एटॉमिक नंबर को लिखना होता है। अगर हमारे पास नेचर में एक से ज़्यादा आइसोटोप पाए जाएँ किसी एलिमेंट के, तो हमने उन तमाम एलिमेंट्स को इस फार्मूले के थ्रू एक एवरेज निकाल के इसका एटॉमिक मास हमने यूज़ करना है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसकी जो है एवरेज एटॉमिक मास को हम फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन, अब आप इसमें फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, आपके पास जितने आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक वेट के साथ और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उनके परसेंट अबंडेंस, यानी नेचर के अंदर कुदरती तौर पर वो कितने परसेंट पाए जाते हैं, ये पूरी रिसर्च है साइंटिस्ट की, तभी ये फिगर हमें मिलते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप क्लोरीन 35 लिखा आपने, फिर इसकी परसेंट अबंडेंस डिवाइड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप क्लोरीन 35 इट्स परसेंट अबंडेंस एंड डिवाइड बाय 100। मैं स्टेप वाइज करवा रही हूँ ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 35 है, ये नेचर में कितने परसेंट पाया जाता है, 75% डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप क्लोरीन 37 मल्टीप्लाई बाय 25%। 25% का मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरीन का सेकंड आइसोटोप है जिसका एटॉमिक वेट 37 है, वो नेचर में 25% पाया जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 35 AMU का मतलब क्या है, ये एटॉमिक मास यूनिट है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये इसके वेट के साथ लिखा जाता है। 35 क्लोरीन फर्स्ट क्लोरीन है जिसका वेट है मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या है, ये 75% थी जितना वो नेचर में पाया जाता है। तो आप साथ में अभी इसको सॉल्व करेंगे, और 37 सेकेंड आइसोटोप है क्लोरीन का, उसका वेट है मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब क्या है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे कि अगर परसेंटेज 25 हो नेचर में, तो उसको आप सॉल्व करके देखेंगे कि सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम इसको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकें। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 75 जो परसेंटेज अबंडेंस थी क्लोरीन 35 की, उसको डिवाइडेड बाय 100 करके पहले सॉल्व करें, आंसर आपके पास 0.75 आ गया, और 25 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर आपके पास 0.25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप रेडी हैं क्या करने के लिए, कि जो एटॉमिक मास था क्लोरीन 35 का, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंट अबंडेंस से जो कि 0.75 है, और एटॉमिक मास सेकंड क्लोरीन 37 जो था उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ। तो आपके पास आंसर जो है, ये देखें, 35 मल्टीप्लाई बाय 0.75 तो आंसर आ गया 26.25, और 37 जो एटॉमिक मैथ था सेकेंड आइसोटोप का, उसको परसेंट अबंडेंस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 9.25 आया। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 35.50 आपके पास AMU ये आंसर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट जो लिखा हुआ देखते हैं पॉइंट्स में,
वो किसका है, वो एवरेज एटॉमिक मैसेस होते हैं। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 35.5। इसका एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यह कार्बन 12 है और कार्बन 13 है। कार्बन 12 जो है वो आइसोटोप है कार्बन के, वैसे तीन होते हैं लेकिन तीसरा बहुत ही कम पाया जाता है, ना होने के बराबर, तो फोकस किया जाता है फर्स्ट टू आइसोटोप ऑफ द कार्बन पे, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 13। कार्बन 12 एटॉमिक मास 12 है, कार्बन 13 एटॉमिक मास 13 है। कार्बन 12 99% पाया जाता है, कार्बन 13 1% पाया जाता है। परसेंट बंडस के फार्मूले पुट करें तो आंसर हमारे पास 12 आएगा। आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को दोबारा देखें और कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।